बड़ी खबर है सीधी से, जहां रामपुर नैकिन अंतर्गत पिपराव चौकी मां बीते दिन एक खूनी संघर्ष देखे के मिला रहा। जौनी गोलीकांड के 4 आरोपी का जऊ है हथियार सहित गिरफ्तार किनगा है और एक आरोपी अबे फरार बतावा जा रहा है। विनी क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम गणेश तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के, जो हम अपना पंचन बताया थी कि विगत दिनों पिपराण चौकी के सरदा गांव में भय खूनी संघर्ष कले के पिपराण चौकी के द्वारा 4 आरोपी का गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई। वही एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। अपना पंचन बताया थी रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत पिपराण चौकी के सरदा गांव में पुरान विवाद कले के मंगलवार का रात का दुई पक्षन में खूनी संघर्ष हो गया। जौने मां दोनों पक्षन में एक दर्जन लोग घायल भे, एमा से आधा दर्जन लोगन के हालत गंभीर होए पर प्राथमिक उपचार के बाद रीवा खातिर रेफर कई दिन का रहा, जहां सबई का उपचार किन जा लग है। वही घटना के एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली चलावे के आरोप रहा। जौने मां रैन गन से निकला छर्रा के दूसरे पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल भेरे। पुलिस के द्वारा घटना कले के 3 अलग अलग अपराध दर्ज करके मामला की विवेचना की जा रही। तिरहू पक्ष की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करके तलाश की जा रही, जौने में पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के द्वारा तत्काल आरोपी के गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए रहे। जौने में अपना पत्र बताया देगी कि पिपराण चौकी के प्रभारी विशाल शर्मा के द्वारा शुक्रवार का 4 आरोपी का गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किए गए। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 322/2021 धारा 294, 323, 506, 34, 326, IPC 2527 आर्म्स एक्ट के मामला पंजीबद्ध किन गया है। गिरफ्तार किन गए आरोपी मां लोल लोनिया पिता बाबूलाल लोनिया 35 वर्ष, लल्लू उर्फ त्रिवेणी लोनिया पिता बुद्धसेन लोनिया 38 वर्ष, तेजभान लोनिया पिता बाबूलाल लोनिया 30 वर्ष, लौकुश उर्फ छोटे लोनिया पिता राम नरेश लोनिया 23 वर्ष, सभी निवासी सरदा का गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं यह मामला मां एक आरोपी अबो पुलिस के गिरफ्त से दूर बतावा गया है। आरोपी के कब्जा से मारपीट में प्रयुक्त भरमार बंदूक अन्य सामग्री जो है बरामद कर ली गई है। अपना पंचक बता दी कि यह पूरे मामला मां विवेचना मां बच सका थे। आरोपी विगत दिनों भय खूनी संघर्ष कले के विवेचना की जा रही। चौकी प्रभारी विशाल शर्मा के द्वारा बतावा गया कि अबे पीड़ित और गवाह के कथन के आधार पर अब आरोपी जो है बच सका थे। यह पूरे मामला मां विवेचना काफी तीव्र गति से की जा रही। जल्द आरोपी की संख्या बढ़ाए के उनका गिरफ्तार कर लिए। इतने निश्चित तौर पर सीधी की यह गोलीकांड खूनी संघर्ष यह बात के द्योतक जरूर है कि सीधी मां अपराध मां नियंत्रण नहीं आए, लोगन के अंदर कानून के भय नहीं आए, जौने से खुलेआम यमे खूनी संघर्ष का अंजाम दे थे। हालात यह है कि अब यह खूनी संघर्ष के अंजाम दे वाले 4 आरोपी तक गिरफ्त में है। पुलिस के द्वारा सलाखन के पीछे भेज दिए गए हैं, किंतु अभी कुछ आरोपी यूं हैं जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द उन्हों का सलाखन के पीछे जल्द डाला जाए। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।